स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके ट्रिक के लिए, मतलब कि एक ट्रिक के द्वारा आप किसी भी स्पेशल चीज को या फिर किसी भी तरह के ज्ञान को बड़े आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। उसके लिए देखिए, आपको हमने आपके स्क्रीन पर एक ऐप दिखा रखे हैं, SSC ऑनलाइन एग्जाम जीके इन हिंदी। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ये वाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखने वाला है। यहाँ पे अगर आप क्विज वाला चाहते हैं सेक्शन, मतलब कि किसी भी चीज का टेस्ट देना, तो आपके लिए ऊपर मिलेगा। अगर आपको जीके वाला ट्रिक के लिए देखना है तो थोड़ा सा नीचे आना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट फॉर यू है, और बेस्ट फॉर यू में आपको जनरल स्टडीज पे जाना होगा। जनरल स्टडीज पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है जीके ट्रिक इन हिंदी, तो हमने यहाँ पे जीके ट्रिक को ही कवर करना है, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब अगर जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अपने गूगल से, फेसबुक से या फिर किसी भी चीज़ से लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस तरह दिखने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक आपको इतने जीके के ट्रिक अपलोड किए जा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम इस वाले ट्रिक को ओपन करते हैं। यहाँ पे ये ट्रिक है कि उन सदस्यों का नाम बताइए जो कि राज्यसभा से सीधे प्रधानमंत्री बन गए। जैसे कि आप देखते हैं कि इंडिया में प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तभी भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, या फिर राज्यसभा का मेंबर है तभी भी उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। नॉर्मली अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अधिकतर लोग लोकसभा से चुन करके जाते हैं, जैसे कि मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी भी लोकसभा से चुन के गए हैं, इनकी सीट है वाराणसी। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कि राज्यसभा से चुन करके आए, जैसे कि इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। तो आपको इनका नाम याद रखना है, तो आपके लिए ट्रिक हो जाएगा इंद्र देव गुम हो गए। आपको याद रखना है कि इंद्र देव गुम हो गए। इसमें देखिए इंद्र का मतलब क्या है, इंदिरा गांधी, देव का मतलब क्या है, HD देवगौड़ा। ये केवल एक साल रहे, 1998-99 में। उसके बाद अगर गु की बात करें, यहाँ गुम वाला गु की, तो ये है IK गुजराल, मतलब कि इंद्र कुमार गुजराल, और म मतलब कि मनमोहन सिंह। तो अभी तक केवल चार ही लोग हैं जो कि राज्यसभा से सीधे प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को, और आज हम देखेंगे इसको कि अकबर के शासनकाल में नवरत्न कौन कौन थे। तो इनके लिए आपको जो ट्रिक मिलेगा ये है BA बैट बैट MDH, बैट बैट MDH। B से बिरबल, A से अबुल फजल, T से तानसेन, B से भगवान दास, A से अब्दुल रहीम, T से टोडरमल, म से मानसिंह, और D से दो प्याजा, और H से हकीम हकाय। तो आप देख सकते हैं, आप बड़े ही आसानी से बैट बैट MDH के थ्रू इसको याद कर सकते हैं। और भी अगर आप जीके ट्रिक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक होके आप देख पाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड इरविन के समय भारत में कौन कौन से कार्य हुए थे, तो इसके लिए आपको जीके ट्रिक मिलेगा साई शारदा ने गांधी के बाल का नस खोजा। ये एक जीके ट्रिक है, साई शारदा ने गांधी के बाल का नस खोजा। अब आपको एक्सप्लेन देखना होगा, तो साई मतलब कि साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी, जो कि साइमन कमीशन भारत में 1927 में या फिर 1928 में आया था। तो आप देख सकते हैं कि साइमन कमीशन का जो काम है ये लॉर्ड इरविन का ही है। उसके बाद जो शारदा है, शारदा मतलब कि शारदा एक्ट, जो कि आया था 1929 में। उसके बाद है गांधी, तो गांधी मतलब कि गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और उसके बाद बा मतलब कि यहाँ पे आप देखें बाल में बा है, तो बा मतलब कि बारदोली सत्याग्रह, ये भी हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे। ल मतलब कि लाहौर संयुक्त केंद्र, जो कि हुआ था 1929 में, ये भी इरविन के टाइम पे हुआ था। और न मतलब कि नमक सत्याग्रह, जो कि इरविन के टाइम पे हुआ था। स मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जो कि इरविन के टाइम पे हुआ था। तो इरविन के टाइम पीरियड पे ये सारे काम है जिनको आप केवल एक जीके ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे और भी जीके ट्रिक अपलोड किया गया है, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे, तो
तो अगर आपको इनका ट्रिक देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति रहे उनके बारे में। तो जैसे है कि राधा बीबी के संग आजा, ये आपका ट्रिक है, राधा बीबी के संग आजा। अब ट्रिकी वर्ड है राधा। राधा मतलब कि सर्वपल्ली राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके नाम पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं हर साल 5 सितंबर को। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति भी बनाए गए। उसके बाद है राधा बीबी। बीबी मतलब कि बीबी गिरी, बीबी मतलब कि बीबी गिरी, के मतलब कि के आर नारायणन, के आर नारायणन थे। ये भी सीधे उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाए गए थे। उसके बाद है संघ। संघ शब्द के लिए शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद आजा, तो आ से हो जाएगा आर वेंकट रमन और जा से हो जाएगा जाकिर हुसैन। तो अभी तक यही लोग हैं जो कि उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी रहे। वैसे ये उपराष्ट्रपति पहले रहे, बाद में ये लोग राष्ट्रपति बनाए गए। तो ये हो गया उन व्यक्तियों के लिए जो कि राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति भी रहे। देखिए, आपको बता दें कि आप चाहेंगे तो इस ऐप पे आके कई तरह के टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर जीके ट्रिक को ही कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक और जीके ट्रिक, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों का नाम। तो नोबेल पुरस्कार 1901 से दिया जाता है, और अगर हम 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले की बात करें तो यह है मैडम और जान फ्रेंडली है। ये आपका एक ट्रिक है, मैडम और जान फ्रेंडली हैं। तो मैडम से मैडम क्यूरी, जान से जान बार्डिन, फ्रेंड से फ्रेडरिक सेंगर और ली से लीनस पोलिंग। तो बस यही लोग हैं जिनको अभी तक मतलब कि 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस ऐप पर आने के बाद आप ढेर सारा स्टडी मटेरियल पाते हैं और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।